गुरुजी, गुस्से के कारण घर में कलह भी बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई होती है, कभी हस्बैंड का गुस्सा ज्यादा होता है, कभी वाइफ का गुस्सा ज्यादा होता है और घर टूटने की कगार पर आ जाता है। इस तरह के गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुक्र का मेल हो, सूर्य शुक्र का मेल हो या शुक्र राहु का मेल हो, ये तीनों ही मेल ऐसे हैं बेटा कि जो हस्बैंड और वाइफ की साथ में रहते हुए कभी ढंग से बनने नहीं देते और दोनों ही एक से ऊपर दूसरा होता है, ऐसे हालात ये बनाता है। यानी कि एक ने अगर कुछ कहा है तो दूसरे ने सहने की बजाय उल्टा आगे बहुत बड़ा कोई रिएक्ट करना है और वो जब रिएक्शन आता है बेटा तो उसके बाद में हालात और बढ़ते हैं और इसके अंदर यहाँ तक के हालात बनते हैं कि कई कई दिनों तक बोल चाल भी नहीं हो पाती। और ये मंगल और सूर्य का गुस्सा होता है और जो शुक्र और राहु का गुस्सा होता है उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, एक दूसरे के ऊपर शक करना और एक दूसरे से छुपा छुपा करके काम करना, समझिए। और भले ही वो गलत ना कर रहे हों, जनरल गृहस्थी के काम कर रहे हों, लेकिन एक दूसरे से छुपा के करना, जिसके अंदर पैसे का लॉस होता है और जिसके चलते हुए जीवन साथी आपस में लड़ते हैं पैसे को लेकर। बेटा, ये दो तरह के गुस्से शादीशुदा जिंदगी के अंदर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जिन लोगों के यहाँ बेटा मियाँ बीबी के आपस में लड़ाई होती हो और कई कई दिन तक बोलते ना हो और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर के बनके दिखाते हो, ये वाली प्रॉब्लम जिनके घर में हो बेटा, वो लोग कम से कम 7 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाते हैं, समझे। और दूसरा, हर शुक्रवार को गाय को खल और भूसा खिलाना बिल्कुल ना भूलें, एक ये हो गया। दूसरा बेटा, जो शुक्र राहु का गुस्सा है ये खराब होता है, एक दूसरे से छुपा छुपा करके चलना, एक दूसरे के ऊपर शक करना और बेमतलब का खाम खाई में ऐसा माहौल क्रिएट कर लेना कि रहना एक छत के नीचे ही लेकिन मियाँ बीबी का एक ना हो पाना। इस तरह के हालात जिनमें बनते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना चाहिए। दूसरा, 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला होता है बेटा, ध्यान रखना बेटा, वो पानी पीने वाला जो नारियल होता है वो भी सूख करके लाल हो जाता है, वो वाला नारियल नहीं लेना, प्रॉपर जो पूरा हरा हो वही नारियल लेना। 43 दिन हरा नारियल लेकर के बेटा उसको मंदिर के अंदर रखना और समय समय पर वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करना, यानी कि हर 3 महीने के बाद में आप ये उपाय कर सकते हो। आप ये करके देखो बेटा और मियाँ बीबी दोनों चांदी हमेशा अपने तन के ऊपर धारण करके रखें, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, चाहे गले में चेन के रूप में। औरतों के पास तो और बहुत सारे चारे हैं, वो पाँव के अंदर बिछुए चांदी के पहन सकती हैं, पायल पहन सकती हैं, तो बेटा चांदी को अपना के चलो, ये उपाय करके चलो, मियाँ बीवी का गुस्सा शक वहम सब दूर भाग जाएगा और गृहस्थी बहुत अच्छी है।